वाह, रशिया का भी पाखंड वाकई में कम नहीं है। एक तरफ तो इन्होंने फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम स्टार्ट किया था भारत के साथ, हम रशिया के साथ मिलकर फिफ्थ जनरेशन वाला ये एडवांस फाइटर जेट बिल्ड करना चाहते थे, लेकिन भारत को ये डिजायर टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार ही नहीं थे। फिर काफी ज्यादा डिसएंगेजमेंट हो गया, वर्कलोड, कॉस्ट शेयरिंग को लेकर, नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट कितने बिल्ड किए जाएंगे इसको भी लेकर डिसएंगेजमेंट हुआ। भारत को टेक्नोलॉजी चाहिए थी लेकिन रशिया पूरी टेक्नोलॉजी देने के लिए भी नहीं तैयार था। तो फ्रस्ट्रेशन में आकर, और वो भी प्रोजेक्ट इतना ज्यादा स्लो चल रहा था, तो फाइनली भारत फ्रस्ट्रेट होता है और इस प्रोग्राम से अपने आप को पुल आउट करके अपना खुद का प्रोग्राम एम का शुरू करता है। 2018 में भारत फ्रस्ट्रेशन में आकर इस प्रोग्राम से पुल आउट कर लेता है। फिर रशिया तो अपना बना लेता है SU-57, लेकिन भारत अभी भी अपने एम का प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और हमारा मकसद ही है कि पूरी तरह से हमें इंडिजिनस टेक्नोलॉजी डेवलप कर दी है। सो अब रिसेंटली ऐसी खबर निकल कर आ रही है कि रशिया ये फिफ्थ जनरेशन वाला SU-57 लेकर भारत को बेचने के लिए अब काफी ज्यादा हाथ पर मार रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो बताया जा रहा है कि रशिया बहुत ही ज्यादा ईगर है शोकेस करने के लिए अपना SU-57 फाइटर जेट भारत के सामने, और काफी अटेम्प्ट भी कर रहे हैं, लेकिन हमारा इंडियन एयरफोर्स इनको ज्यादा एंटरटेन नहीं कर रहा है। आगे रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया है कि रशिया ने प्रायर अटेम्प्ट्स भी किए हैं भारत को एंटाइस करने के लिए। इन्होंने सिंगल इंजन वाला SU-75 फाइटर जेट शोकेस किया इंडियन एयरफोर्स के सामने, लेकिन इंडिया ने फिर से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया रशिया के ये फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट में भी, क्योंकि भारत अब स्ट्रांगली अपने एम का प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रहा है और हमारा पूरा विश्वास है कि जल्द ही ये फाइटर जेट भी बनकर तैयार हो जाएगा। इसके ऊपर रिसेंटली एक बड़ी डेवलपमेंट भी आई थी, जहां हमारे साइंटिस्टों की टीम ने जैसलमेर के एक लैबोरेटरी में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाला पेंट भी तैयार कर दिया है। ये एक इस तरह का पेंट है जो रेडार्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, और अगर हम हमारे फाइटर जेट्स में यूज करने लग जाए तो इनको रडार में पकड़ पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। सो काफी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज भारत बना चुका है। F414 इंजन्स भी अमेरिका भारत में बनाने के लिए तैयार है, हमें 80% टेक्नोलॉजी भी मिलेगी। तो बताइए, आप ही सोचिए, इतना सारा होने के बाद क्या क्यों ही भारत इंटरेस्टेड होगा रशिया के ये SU-57 में? जब इंटरेस्टेड था तब तो इन्होंने साथ नहीं दिया, और अब ये आ गए बेचने के लिए। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या इंडियन एयरफोर्स को सच में ये रिजेक्ट कर देना चाहिए ऑफर? लेट अस नो इन कमेंट्स बिलो।